अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवरीथिंग विद होम। मैं अफसाना खान। आज की हमारी रेसिपी है कीमा, हरी मिर्च कीमा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 1.25 किलो कीमा है। ये 7 से 8 हमारी मोटी वाली हरी मिर्च हैं। आप कीमा हरी मिर्च बनाने के लिए मोटी वाली हरी मिर्च का ही इस्तेमाल करें, पतली वाली बहुत तीखी हो जाती हैं। ये हमारे सूखे मसाले हैं। ये 1/2 टीस्पून हमारी हल्दी पाउडर है। ये 1 टीस्पून हमारा रेड चिली पाउडर है। ये 2 स्पून हमारा कोरिएंडर पाउडर है। ये 1.5 स्पून नमक है हमारा। मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ये हमारी प्याज हैं, मीडियम साइज की प्याज हैं। ये 4 मीडियम साइज की प्याज हैं। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। कुकर को हमने गैस पे रख दिया है। इसमें 2 चम्मच तेल ऐड कर दिया है। ये हमारा कुकिंग ऑयल है, आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा तेल गर्म हो चुका है, तेल गर्म हो चुका है। हमने इसमें अपनी 1/2 प्याज ऐड कर ली है और 1/2 प्याज बचा ली है। प्याज को सॉफ्ट करेंगे। प्याज सॉफ्ट हो चुकी है, ऐड करेंगे इसमें कीमा। कीमे को चलाएंगे। एक मिनट के लिए हमें कीमे को ऐसे ही चलाना है। इसका पानी जो भी है वो सोख हो जाए। कीमे का पानी सोख हो चुका है। ऐड करेंगे हम अपना अदरक लहसुन का पेस्ट। हमने यहाँ 1.5 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड किया है। मिलाएंगे अच्छे से। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हमें इसे 2 मिनट इसी में पकाना है। ऐसे ही 2 मिनट हो चुके हैं। ऐड करेंगे हम अपने यहाँ सूखे मसाले। मिला लेंगे अच्छे से। हमने जो प्याज बचाई थी वो भी हम इसमें यहाँ ऐड कर देंगे। थोड़ी देर ऐसे ही चलाएंगे, 1 मिनट के लिए। 1 मिनट हो चुका है, सारे मसालों को मिला लिया है। अगर यहाँ पर हम 1 ग्लास पानी डाल करके अपने कुकर को बंद करके रख देंगे और इसमें तकरीबन 2 सीटियाँ ले लेंगे, क्योंकि ये 2-3 सीटियाँ ले लेंगे क्योंकि ये हमारा मोटा कीमा है। कुकर में 2 सीटी आ चुकी हैं। चेक कर लेते हैं अपना कीमा। हाई फ्लेम पर हम इसे अच्छे से भून लेंगे। देख सकते हैं आप हमारे कीमे का कलर कितना अच्छा आया है। हमें इसे अच्छे से भूनना है। कीमा हमारा भून चुका है, देख सकते हैं आप एकदम से भून गया है। अब यहाँ ऐड करेंगे हम इसमें 1/2 ग्लास वाटर। ये 1/2 ग्लास वाटर है। अगर
आपको ज़रा थोड़ा सा पतला चाहिए इसका शोरबा, तो आप और ऐड कर सकते हैं। बट हम इतना ही रखेंगे। अब हम इसे ऐसे खुला करके पकाएंगे, ढक देते हैं इसे, गैस को कर देते हैं स्लो 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो चुके हैं, ऐड करते हैं अपनी हरी मिर्च, ऐड करते हैं अपना हरा धनिया, तो हमारा हरी मिर्च कीमा तैयार हो चुका है। कर लेते हैं डिश आउट और फिर दिखाते हैं आपको। हमने अपने हरी मिर्च कीमे को डिश आउट कर लिया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आप ये घर पे ज़रूर ट्राई करें। ये रेसिपी खाने में बहुत अच्छी लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।